स्पेशल तरीके से ब्रीदिंग करेंगे, अपना फोकस। जनरली जब हम ब्रीद करते हैं तो हमारी दोनों में से एक नोस्ट्रिल ज्यादा खुली होती है दूसरे के मुकाबले। सो आप हाथ लगा के देख सकते हैं इस समय आपकी लेफ्ट या राइट कौन सी नोस्ट्रिल ज्यादा काम कर रही है। राइट नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम मोर देन 99% हमारी ब्रीदिंग इसी तरीके से रहती है, हमारी एक नोस्ट्रिल ज्यादा काम करती है। बस एक बार हाथ लगा के देख लीजिए, छोड़ दीजिए, आपको पता लग गया, कोई बात नहीं। ओके नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम 99% से भी ज्यादा हमारी ब्रीदिंग इसी तरीके से चलती है, हमारी एक नोस्ट्रिल ज्यादा काम करती है। नाउ दिस इज इम्बैलेंस, ये बेसिकली योगा में इसको इम्बैलेंस बोलते हैं। अब जो आपकी नोस्ट्रिल, आपको बराबर ध्यान देना है दोनों नोस्ट्रिल्स पर, और स्पेशली 60% ध्यान उस नोस्ट्रिल पर दीजिए जो कम काम कर रही है। लगातार फोकस करिए कि आपकी दोनों नोस्ट्रिल्स के ऊपर में अपना सारा ध्यान आपको अपनी दोनों नोस्ट्रिल्स पर रखना है, एंड सारा ध्यान दोनों नोस्ट्रिल्स पे रखिए, टोटल फोकस दोनों नोस्ट्रिल्स पे रखिए। इस समय इस पूरी क्रिया के दौरान यदि आपको कोई भी अन्य विचार आए तो उस विचार को बोलिए कि बाद में आने के लिए, इस समय आप अपने जीवन की एक महत्वपूर्ण क्रिया में व्यस्त हैं, उसको बोल दीजिएगा बाद में आने के लिए। इस दौरान यदि आपको कोई खांसी होती है, खुजली होती है, इचिंग होती है कहीं पर भी, तो उसको भी आपने सेम बोलना है, आपने उसको इंस्ट्रक्शन देनी है कि प्लीज बाद में आइए, अभी मैं बिजी हूं। जैसे अगर आप कोई बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे होते हैं, कोई फोन आ जाता है तो आप यही तो कहते हैं फोन उठा करके कि मैं आपको बाद में कॉल करता हूं या अभी मैं व्यस्त हूं। तो सेम वे एनी अदर थॉट कमिंग इन, आपको सारा ध्यान रखना है मेरी आवाज पर, मैं आपको गाइड करता रहूंगा, मेरी आवाज पर आप अपना ध्यान रखिए और अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान रखिए, बस इसी चीज पे फोकस कीजिएगा। सो बराबर ध्यान दीजिए अपनी दोनों नोस्ट्रिल्स में, फोकस करिए दोनों नोस्ट्रिल्स के ऊपर में, एंड कुछ देर जब आप लगातार फोकस करेंगे दोनों नोस्ट्रिल्स के ऊपर में, तो आपकी दोनों नोस्ट्रिल्स बराबर चलने लगेगी, यानी कि आपकी दोनों नाक खुलकर बराबर कार्य करेगी। जैसे ही आपकी दोनों नोस्ट्रिल खुल के बराबर काम करना शुरू करती हैं और तब आप ब्रीथ करते हैं तो आपकी ब्रीदिंग बदल जाती है, आपकी ब्रीदिंग पहुंचती है सीधी सुषुम्ना नाड़ी के अंदर में। सुषुम्ना नाड़ी में अगर हमारी ब्रीदिंग पहुंचती है तो फिजिकली एंड मेंटली एंड स्पिरिचुअली हम चेंज होना शुरू हो जाते हैं। महाभारत सभी ने पढ़ी है, देखी भी होगी आपने, उसमें एक बहुत सबसे बलशाली व्यक्ति थे भीम। भीम में इतनी ताकत क्यों थी? क्योंकि उनकी नेचुरली दोनों नोस्ट्रिल हर समय काम करती थी, जिस वजह से सीधी उनकी श्वास हमेशा सुषुम्ना नाड़ी में जाती थी, और ये एक प्रमुख कारण था उनके अत्यधिक बलवान होने का। सो मैं चाहता हूं आपकी भी दोनों नोस्ट्रिल्स बराबर काम करें ताकि आप भी बलशाली बन सके, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से व आध्यात्मिक रूप से। सो फोकस ऑन बोथ द नोस्ट्रिल्स, दोनों नोस्ट्रिल्स के ऊपर में फोकस कीजिए निरंतर लगातार, दोनों नोस्ट्रिल्स के ऊपर फोकस बनाए रखना है। सारा का सारा ध्यान सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पर करिए और मेरी आवाज पर करिए। इस समय आपके लिए वर्ल्ड एग्जिस्ट नहीं करता या बाहर की दुनिया थोड़े समय के लिए एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ आप आराम से फोकस करिए, ध्यान दीजिए मेरी आवाज पर और अपनी ब्रीदिंग पर। दोनों नोस्ट्रिल्स में बराबर देखिए, जस्ट ऑब्जर्व बोथ द नोस्ट्रिल्स, जस्ट ऑब्जर्व बोथ द नोस्ट्रिल्स, दैट्स इट। थोड़े समय के बाद आप फील करेंगे, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, आप रिलैक्स करिए बिल्कुल, इत्मीनान से बैठिए और इत्मीनान से ब्रीदिंग करिए। थोड़ी जानबूझ करके लंबी ब्रीदिंग करनी है, लेकिन बहुत इत्मीनान से, कंप्लीट इनहेलेशन फॉलोड बाय कंप्लीट एक्सहेलेशन। जब हम इस तरीके से ब्रीद करते हैं, हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड हमारे अंदर का पावर हाउस है, जो कि हमारी हमें कनेक्ट करता है हमारी हायर सेल्फ से या सुप्रीम पावर से। दैट कनेक्शन थ्रू योर ब्रीदिंग बनता है। सो फोकस करिए निरंतर जानबूझ करके
लंबी श्वास लेने में, फोकस मोर एंड मोर ऑन ब्रीदिंग, बट इत्मीनान से, आराम से लंबी इनहेलेशन कीजिए एंड देन गो फॉर लॉन्ग एक्सहेलेशन. कंटिन्यू टू ब्रीद इन दिस सुपरफिशियल मैनर. ये आपको बनाता है शारीरिक रूप से और ज्यादा स्वस्थ, बलवान. मानसिक रूप से आपको शांति प्रदान करता है और आध्यात्मिक रूप से आपको जोड़ता है हायर पावर से या सुप्रीम पावर से या यूनिवर्सल पावर से, जिसको आप गॉड, भगवान, खुदा के रूप में जानते हैं. कंटिन्यू टू फोकस ऑन बोथ द नोस्ट्रिल्स. अब अपना ध्यान फोकस करिए अपनी ब्रेन स्टेम पर. स्टेम, आपने कोई फूल, जैसे गुलाब का फूल अगर आप देखें तो उसमें पहले डंडी होती है और फिर फूल. तो डंडी को अंग्रेजी में कहते हैं स्टेम. अगर आप ब्रेन का चित्र, ब्रेन का डायग्राम कभी आपने कहीं भी ऑफकोर्स देखा होगा, तो हमारे ब्रेन में भी एक स्टेम होती है जो नीचे को निकली होती है. जैसे मशरूम, राइट, मशरूम को आप देखें, मशरूम है छतरी नुमा मशरूम, नीचे उसकी डंडी, वो उसकी स्टेम है. सेम वे हमारे ब्रेन की भी स्टेम है जो हमारे समवेयर गर्दन के पिछले हिस्से से शुरू होती है, वहां से हमारा ब्रेन शुरू होता है, दैट इज कॉल्ड ब्रेन स्टेम. सो अब फोकस करिए वहां पर, ध्यान केंद्रित करिए अपने ब्रेन स्टेम पर. वहां से ब्रीदिंग शुरू करनी है और इसको लेके जाना है टॉप ऑफ द हेड पर. टॉप ऑफ द हेड पर संस्कृत में कहते हैं सहस्त्रधार चक्र, इंग्लिश में कहते हैं क्राउन चक्र. So, आपने किस तरीके से ब्रीदिंग करनी है या ब्रीदिंग का सारा फोकस आपने बनाना है, अपनी ब्रेन स्टेम से शुरू करिए ब्रीदिंग. और जब आप इनहेल करें तो सांस ऊपर की तरफ फील करिए या फोकस करिए आपके टॉप ऑफ द हेड पे, आपके सर का जो सबसे टॉप वाला हिस्सा है वहां ब्रीदिंग पहुंचानी है. इनहेल करते हुए भी वहां ब्रीदिंग करनी पहुंचानी है और जब आप ब्रीदिंग छोड़े तो वो नीचे की तरफ ना आकर के फोकस करिए कि वो लगातार ब्रेन स्टेम से ऊपर की तरफ जाए. ये एक स्पेशल ब्रीदिंग टेक्निक है. इस टेक्निक को हमेशा से यूज किया सिद्ध लोगों ने, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने. अगर आप किसी भी सिद्ध व्यक्ति की तस्वीर देखें ध्यान लगाते हुए, तो आप पाएंगे उनकी आंखें हल्की सी ऊपर होती है, चाहे वो गुरु नानक देव जी हो, साईं बाबा हो या कोई भी महान शख्स जितने भी हुए. वो उस समय क्या कर रहे हैं, वो फोकस कर रहे हैं अपने टॉप ऑफ द हेड पर, सहस्त्रधार चक्र पर या फिर क्राउन चक्र पे. सो सेम ब्रीदिंग करके आप भी उसी श्रेणी में पहुंच सकते हैं. तो ये इस अत्यंत आनंददायक क्रिया का अनुभव करते हैं. फोकस करिए अपनी ब्रेन स्टेम पर, जहां से आपका ब्रेन शुरू होता है, गर्दन के पिछले हिस्से पे, वहां पर ध्यान केंद्रित करिए. वहां से ब्रीदिंग शुरू होगी और लगातार जाएगी टॉप ऑफ द हेड पे. ये एक बहुत खास ब्रीदिंग टेक्निक है. जब हम इस तरीके से ब्रीद करते हैं, इमीडिएटली आपके सारे आयाम बदलने लगते हैं, फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली. आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि जो आपके लाइफ में हो चुका उसकी चीजों की चिंता मत करिए, पास्ट को छोड़ दीजिए, भविष्य की चिंता मत करिए, भविष्य में क्या होगा उसकी चिंता मत करिए, डरिए मत, प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, नाउ मोमेंट में रहिए. ये आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा या सुना होगा, लेकिन सवाल ये आता है कि नाउ मोमेंट में कैसे रहा जाए. नोबडी टेल्स यू दैट. लेकिन इस टेक्निक से जब हम ब्रीथ करते हैं, हमारा कनेक्शन कट जाता है हमारी पास्ट से, एंड हमारा कनेक्शन भी कटता है हमारी फ्यूचर चिंताओं से. और आप इस ब्रीदिंग टेक्निक को यूज करके नाउ मोमेंट में रहना शुरू कर देते हैं. एंटायरली फोकस ऑन माय वॉइस. सिर्फ और सिर्फ तीन चीजों पर ध्यान आपने देना है इस समय. एक, मेरी आवाज पर. दूसरा, अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान दीजिए जो ब्रेन स्टेम से शुरू होकर टॉप ऑफ द हेड पे पहुंचे. एंड तीसरा, आप टॉप ऑफ द हेड पर फोकस बनाए रखिए. ये तीन चीजों पर आपने निरंतर ध्यान देना है. बाकी इस समय आपके लिए और कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है और एग्जिस्ट ही नहीं करती. यदि कोई भी अन्य विचार आए
तो उस विचार को बोलिए बाद में आने के लिए, अभी आप व्यस्त हैं। कहीं पर भी खुजली होती है, इचिंग होती है, कुछ भी होती है, उसको भी बोलिए प्लीज गो, जाइए। एंड जस्ट फोकस ऑन माय वॉइस, ऑन योर ब्रीदिंग, अपनी ब्रीदिंग पे फोकस कीजिए एंड आपकी ब्रीदिंग पहुंचे आपके टॉप ऑफ द हेड पे, इस पर विशेष ध्यान दीजिए, फोकस करिए। ब्रेन स्टेम से हमारी ब्रीदिंग शुरू होगी, यानी कि हमारे गर्दन के पिछले हिस्से से, जहां से हमारा ब्रेन शुरू होता है, और इसको हम लेके जाएंगे टॉप ऑफ द हेड पे, सहस्त्रधार चक्र पर या क्राउन चक्र पर। अगर आप निरंतर इस तरीके की ब्रीदिंग करें, इस क्रिया को अगर आप रोज करें, इसके क्या फायदे हैं? फिजिकल फायदे सबसे पहले बताता हूं, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, कभी भी आप बीमार नहीं पड़ेंगे। कोई भी भयंकर बीमारी आपके अंदर जन्म ही नहीं ले सकती अगर आप इस तरीके की ब्रीदिंग करेंगे। सो यू विल ऑलवेज बी हेल्दी, वेरी हेल्दी। ए बी मेंटल साइड, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, आपका ब्रेन जो है वो 90% नेगेटिव सोचता है और 90% आपके विचार जो हैं वो बार बार आते हैं, रिपीटेटिव नेगेटिव थॉट्स, उनसे आपका कनेक्शन कट जाता है। एंड सी आध्यात्मिक रूप से आपका कनेक्शन जुड़ता है सुप्रीम पावर से या गॉड से, जब आप इस तरीके की ब्रीदिंग करते हैं। सो ये आपके लिए अत्यंत जरूरी है, लाभदायक है कि आप जानबूझ करके इस तरीके की ब्रीदिंग करें। जस्ट फोकस ऑन ब्रेन स्टेम से होकर के टॉप ऑफ द हेड पे लगातार ब्रीदिंग पहुंचाइए एंड इट स्टार्ट्स चेंजिंग यू। सो कंटिन्यूसली फोकस ऑन टॉप ऑफ द हेड, निरंतर फोकस करिए टॉप ऑफ द हेड पे, लगातार ध्यान दीजिए टॉप ऑफ द हेड पे, कंटिन्यू टू फोकस ऑन द टॉप ऑफ द हेड। सारा का सारा ध्यान मेरी आवाज पर, अपनी ब्रीदिंग पर, जानबूझ करके की हुई ऐसी ब्रीदिंग जो आपके ब्रेन स्टेम से शुरू होकर के पहुंचे आपके टॉप ऑफ द हेड पे। कंटिन्यू टू फोकस ऑन द टॉप ऑफ द हेड। इस तरीके की ब्रीदिंग करना आपको विशेष बनाता है, स्पेशल बनाता है। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, जितने भी सिद्ध पुरुष हुए वो इस तरीके की ब्रीदिंग करके, अब तक ये टेक्निक सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए अवेलेबल थी या उन्होंने इसी टेक्निक को यूज किया। अगर आप भी इस तरीके से निरंतर ब्रीद करें तो आप भी अपनी स्पेशल पावर्स को जागृत कर सकते हैं, फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली। सो कंटिन्यू फोकस ऑन टॉप ऑफ द हेड। कंटिन्यू टू फोकस ऑन द टॉप ऑफ द हेड। अपना सारा ध्यान रखिए टॉप ऑफ द हेड पर, ब्रीदिंग वहां अच्छे से पहुंचे, इनहेल करते हुए भी, यानी जब हम सांस लें तब भी हमारा ध्यान वहां रहे, और एक्सहेल करते हुए भी, यानी सांस छोड़ते हुए भी, आपने फोकस सारा का सारा करना है अपने टॉप ऑफ द हेड पे, सहस्त्रधार चक्र पे या क्राउन चक्र पे। ये आपका, आपके अंदर की स्पिरिचुअल पावर हाउस है, ये जो जगह है टॉप ऑफ द हेड। हिंदू सभ्यता के अनुसार जब किसी का भी अंतिम संस्कार किया जाता है और जब उनके शरीर को जलाया जाता है, अग्नि दी जाती है, तो लास्ट में यही क्रिया होती है, उनके सर के ऊपर डंडा मारकर फेंकते हैं, यानी सहस्त्रधार चक्र खुल जाए ताकि आत्मा को शांति मिले। सो अगर हम अपनी ब्रीदिंग टेक्निक के द्वारा यहां फोकस करेंगे, तो
कंटिन्यू टू फोकस ऑन द टॉप ऑफ द हेड, निरंतर ब्रीदिंग पहुंचाइए अपने टॉप ऑफ द हेड पे। अब जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनका स्मरण कीजिए, जिस भी शक्ति को आप मानते हैं भगवान के रूप में, गॉड के रूप में, उस शक्ति को याद कीजिए और उनको महसूस कीजिए कि वो आपके टॉप ऑफ द हेड पे बैठे हुए हैं। और जितना आप ब्रीदिंग वहां पहुंचाएंगे उतना आप उनसे बेहतर कनेक्ट हो पाएंगे। सबसे पहले जिस भी शक्ति को आपने याद किया अपने मन में हाथ जोड़कर उन्हें नमन कीजिए और शुक्रिया अदा करिए सबसे पहले कि उन्होंने आपको जीवन दिया और इतना सब कुछ आपको दिया। खुशी के लिए, सफलता के लिए सबसे पहला सूत्र है जो कुछ हमें मिला है उसके लिए हम थैंकफुल रहें, धन्यवाद दें, शुक्रिया अदा करें। अक्सर हम अपने जीवन में शिकायतों में इतने उलझ जाते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, हम ये भूल जाते हैं कि हमें कितना कुछ मिला है। सफलता का पहला सूत्र और खुशी का पहला सूत्र ही यही है कि जो कुछ हमारे पास है उसके लिए हम पहले उस परवरदिगार को, प्रभु को, दाता को, जिसने इतना सब कुछ दिया उसका धन्यवाद दें। और हम जितना थैंकफुल फील करते हैं उतना ज्यादा हमें वो और भी ज्यादा देता है, ज्यादा सफलता, ज्यादा खुशी का रास्ता थैंकफुलनेस से शुरू होता है। सो जिस भी प्रभु को आप मानते हैं उनका स्मरण कीजिए टॉप ऑफ द हेड पे, जहां ब्रीदिंग पहुंचा रहे हैं वो वहां बैठे हुए हैं इस समय। सो सबसे पहले बी टोटली थैंकफुल। ब्रीदिंग करते रहिए। जिस भी पावर को आपने याद किया है उनका उनके स्मरण में रहिए, वो आपके टॉप ऑफ द हेड पे इस समय बैठे हुए हैं। आपके दुख का सबसे बड़ा प्रमुख कारण क्या है? आपकी मैं, ईगो इन यू। आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं अपने नाम से। आपका जो भी नाम है आपके माता पिता ने आपको दिया आपके पैदा होने के कुछ महीनों बाद या कुछ दिनों बाद, लेकिन आपका अस्तित्व उससे पहले भी था। आप सिर्फ अपना नाम नहीं है। अल्टीमेटली हु आर यू? ना आप ये फिजिकल बॉडी है जिसमें आप रह रहे हैं, इसमें आप रहते जरूर हैं। जैसे आप जो कपड़े आपने पहने हैं वो कपड़े आपके हैं लेकिन आप वो कपड़े नहीं है। सेम वे जिस शरीर में आप रहते हैं, ये शरीर जरूर आपका है लेकिन आप ये शरीर नहीं है। You are not even your mind. आप अपना mind भी, मस्तिष्क भी नहीं है। Ultimately who you are a soul. आप एक आत्मा है जो हमेशा थी, हमेशा है और हमेशा रहेगी। You are a soul connected with supreme soul. So feel that connection. अपने आप को surrender कर दीजिए सबसे पहले। जिस शक्ति का आपने स्मरण किया, जिस भगवान का आपने स्मरण किया जो आपके टॉप ऑफ द हेड पे इस समय विराजमान है, थैंकफुलनेस के बाद अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। अपने मन में बोलिए, आज से मैं अपने आप को समर्पण करता हूं, सरेंडर करता हूं। मैं आपका बच्चा हूं, मैं आपका हिस्सा हूं। जब मैं आपका हिस्सा हूं तो मैं कमजोर हो ही नहीं सकता। जैसे समुद्र में से अगर आप एक बूंद निकाल ले पानी की, तो वो बूंद अकेली असहाय है, कमजोर है, उसमें कोई ताकत नहीं है। लेकिन यदि आप उस बूंद को वापस समुद्र में डाल दें, तो वो बूंद नहीं रही, अब वो समुद्र बन गई। जब वो समुद्र बन गई तो वो विशाल है, उसकी ताकत अपरंपार है। ऐसे ही आप हैं। आप कमजोर क्यों पड़ते हैं या आपको डर क्यों लगता है? क्योंकि आप अपने को आइडेंटिफाई करते हैं अपने नाम से कि मेरा नाम सो एंड सो है, मैं ये कर सकता हूं, ये नहीं कर सकता, ये आसान है, ये मुश्किल है।
आप जब अपने को सरेंडर करके, आपने अपने को सरेंडर कर दिया किसके सामने, गॉड के सामने, आप उससे एक हो गए। जब आप उससे एक हो गए तो देन यू बिकम गॉड। दैट इज व्हाट संस्कृत में कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। ब्रह्मा कहाँ है या गॉड कहाँ है? गॉड इज विद इन मी, गॉड आपके अंदर है। लेकिन वो कनेक्शन हट जाता है, वो कनेक्शन की शुरुआत होती है इस रियलाइजेशन से कि आई एम नोबडी, मैं कुछ भी नहीं हूं। आपके साथ या प्रभु से जुड़ के मैं कुछ भी कर सकता हूं, एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर मी। करते रहिए अपने टॉप ऑफ द हेड पे। अब इस रियलाइजेशन के बाद योर लाइफ स्टार्ट्स चेंजिंग। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट इज गॉड? गॉड इज, बहुत से लोगों के जिनको नियर डेथ एक्सपीरियंस हुए, जो लोग ब्रेन डेड हो गए, सिर्फ मशीन के सहारे जिंदा थे, समा वापस आए, जिनके ब्रेन ने भी काम करना बंद कर दिया था, दे केम बैक। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि जब वो ये बॉडी छोड़ के गए तो उन्हें एक बहुत दिव्य प्रकाश जैसी जगह मिली जहां वो अंदर एंटर होते जा रहे थे। सो व्हाट इज गॉड? गॉड इज इमेजरेबल शाइनिंग व्हाइट लाइट, जिसका कोई आकार नहीं है। गॉड इज इमेजरेबल शाइनिंग व्हाइट लाइट। साउथ के एक सेज हुए रामलिंगम, ब्रीदिंग वैसे ही करते रहिए, जस्ट लिसन टू मी, ब्रेन स्टेम से लेके टॉप ऑफ द हेड पे, फोकस ऑन द टॉप ऑफ द हेड। साउथ के एक महात्मा हुए जिनका नाम था रामलिंगम, उन्होंने मेडिटेट किया, ध्यान किया गॉड ऑफ लाइट के ऊपर में, और जो मंत्र उन्होंने उनको दिया वो मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश में और तमिल दोनों में। व्हाट इज गॉड? गॉड इज इमेजरेबल शाइनिंग व्हाइट लाइट। इमेजरेबल जिसको नापा नहीं जा सकता, शाइनिंग चमकती हुई व्हाइट सफेद रोशनी। सो गॉड इज इमेजरेबल शाइनिंग व्हाइट लाइट अरुत्किरु ज्योति। सो कंटिन्यू टू फोकस, विजुअलाइज करिए एक बहुत ब्राइट व्हाइट लाइट है बाहर और लगातार आपकी तरफ बढ़ रही है। जहां आप टॉप ऑफ द हेड पर फोकस कर रहे हैं, ब्रीदिंग पहुंचा रहे हैं, वहां ये व्हाइट लाइट अंदर पहुंचती है। आपका पूरा ब्रेन, आपका पूरा मस्तिष्क इस व्हाइट लाइट से जगमगा रहा है। कंटिन्यू टू फील द व्हाइट लाइट वाइब्रेटिंग इन यू। विजुअलाइज व्हाइट लाइट वाइब्रेटिंग इन यू, इन योर ब्रेन। गॉड इज इमेजरेबल शाइनिंग व्हाइट लाइट एंड द लाइट इज विद इन यू। ये रोशनी आपके अंदर है, आपके पूरे मस्तिष्क में लगातार वाइब्रेट करके ये व्हाइट लाइट आपके एक एक सेल्स को, नर्व्स को बना रही है बहुत बेहतर। सो विजुअलाइज व्हाइट लाइट कमिंग इन योर ब्रेन और आपका पूरा ब्रेन इस समय इस सफेद रंग के दिव्य प्रकाश से जगमगा रहा है। कंटिन्यू टू ब्रीद From brainstem to the top of the head. लगातार ब्रीदिंग करते रहिए, पहुंचाइए अपने brainstem से अपने टॉप ऑफ द हेड में, सहस्त्र चक्र पर या क्राउन चक्र पर। अगर आप इस तरीके की ब्रीदिंग करेंगे, यू कट ऑफ फ्रॉम ऑल द नेगेटिव थॉट्स एंड कोई भी बीमारी आपके अंदर नहीं रह सकती। यू विल ऑलवेज बी फिजिकली वेरी हेल्दी। सो कंटिन्यू टू फोकस ऑन द टॉप ऑफ द हेड. And again, visualize. God is immeasurable shining white light. अब ये white light सिर्फ आपके brain में ही नहीं है, ये आपके पूरे body में पहुंचती जा रही है। Visualize कीजिए, and इस समय ये light जो है आपकी पूरी body में है। You are a light. God is immeasurable shining white light. God is immeasurable shining white light, arul light, not an ordinary light. God is immeasurable shining white light, arul. Ah, makes you omni, gives you omniscience. Omni matlab God, sense matlab jisko har cheez ki sense hai. Ah, omniscience, ru, omniscience.
ओमनीपोटेंस, ओमनी मतलब गॉड, पोटेंस मतलब जो इसके लिए सब संभव है। अरुल्ला इल, इल आपको बनाता है ओमनी प्रेजेंट, जैसे भगवान हर जगह प्रेजेंट होता है, तो आप भी हर जगह प्रेजेंट होते हो सकते हैं अगर आप कंटिन्यूसली इस पर मेडिटेट करें, जैसे अभी मैंने आपको करा रहा हूं। सो जस्ट फोकस, आपने ब्रेन स्टेम से ब्रीदिंग पहुंचानी है लगातार टॉप ऑफ द हेड पे, एंड विजुअलाइज लगातार ये व्हाइट लाइट आपके ब्रेन में, आपके पूरे बॉडी में वाइब्रेट कर रही है। गॉड इज इमेजिनेबल शाइनिंग व्हाइट लाइट, बट नॉट एन ऑर्डिनरी लाइट, अरुण लाइट। गॉड इज, लगातार इस रोशनी में मिलते जाइए। जब आप इस रोशनी में मिल गए, जैसे बूंद सागर में मिल गई तो वो बूंद बूंद नहीं है, वो सागर बन गई। सेम वे जब आप इस रोशनी में मिल गए तो आप ऑर्डिनरी नहीं रहे, आप खुद एक रोशनी बन गए। यू बिकम अ पार्ट ऑफ गॉड एंड यू आर अ पार्ट ऑफ गॉड। गॉड इज इमेजिनेबल शाइनिंग व्हाइट लाइट। कंटिन्यू टू बी वन विद दिस लाइट, continue to be one with this light, continue to be one with this light, the Arul light, continue to focus on the top of the head, says the Dhar Chakra or the Crown Chakra. God is immeasurable shining white light, continue to visualize white light in you. Your whole body turns into white light, Arul light. God is immeasurable shining white light, Arul light. God is light. जितने भी आपने महात्माओं की फोटो देखी, उनके सर के ऊपर आपको पीछे लाइट नजर आई, हमेशा हमेशा दर्शाया गया। Why? Because God is immeasurable shining white light, Arul light. Ah gives you omniscience. Ru gives you omnipotence, yani sab sambhav hai. Il la sound gives you omnipresence, har jagah maujoodgi. Mahabharat kal mein Sanjay ek jagah pe baithe hue युद्ध का पूरा वर्णन धृतराष्ट्र को सुना देते थे, क्योंकि उनके पास वो शक्ति थी कि वो कहीं पे भी बैठ के कहीं की चीज देख सकते थे। ओमनीप्रेजेंस, रेगुलरली फोकसिंग ऑन दिस लाइट, द अरुण लाइट गिव्स यू थ्री थिंग्स, ओमनीसेंस, ओमनीपोटेंस एंड ओमनीप्रेजेंस। सो गॉड इज इमेजरेबल शाइनिंग व्हाइट लाइट। Continue to visualize white light in you. निरंतर visualize करिए, सफेद रंग का दिव्य प्रकाश मस्तिष्क से लेकर के आपके शरीर के हर एक हिस्से में है। The light is everywhere, और ये जो godly light है ये हर जगह है। Inside, आपके अंदर, आपके बाहर, light को बोलते ज्योति। ज्योति परम, ज्योति अरुण, ज्योति शिवम। सो कंटिन्यू टू विजुअलाइज द व्हाइट लाइट इन यू, फोकस कंटिन्यूअसली ऑन द टॉप ऑफ द हेड। अब जिस शक्ति को आपने याद किया, स्मरण किया, उन्होंने आपको ब्लेस किया है, और इस समय आपने टॉप ऑफ द हेड पर विजुअलाइज करिए कितना बड़ा नेटवर्क आप चाहते हैं आपका हो, कितना बड़ा नेटवर्क आप चाहते हैं, 1 करोड़ लोगों का नेटवर्क। विजुलाइज ऑन द टॉप ऑफ द हेड। नाउ विजुलाइज योर ड्रीम पॉइंट वैल्यू या बिजनेस वैल्यू, कितने पॉइंट, कितने बिजनेस वैल्यू, कितने पॉइंट वैल्यू आप करना चाहेंगे। एक करोड़ पॉइंट
7 महीने में, या जो भी फिगर आती है उसको विजुअलाइज करिए टॉप ऑफ द हेड पे, सहस्रार चक्र पे। इस समय आप डिवाइन उससे कनेक्टेड हैं, सो जो भी फिगर्स आप विजुअलाइज करेंगे वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स मैनिफेस्टिंग, यानी वो ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट होना या सही होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इस समय आप डिवाइनली कनेक्टेड हैं। सो इमेजिन कीजिए कितना बड़ा नेटवर्क आप चाहते हैं, कितने बिजनेस वॉल्यूम या पॉइंट वॉल्यूम आप करना चाहेंगे महीने में। अब आता है पेचेक, आपका ड्रीम पेचेक क्या है, वो ड्रीम पेचेक की फिगर जो भी मन में आए, दिमाग मत लगाइए, जो भी फिगर मन में फिगर आए उसे विजुलाइज करिए टॉप ऑफ द हेड पे, क्योंकि टॉप ऑफ द हेड इज द पावर हाउस, इट इज योर स्पिरिचुअल पावर हाउस। सो ड्रीम पेचेक क्या है, आपका ड्रीम पेचेक जो आए तो मजा आ जाए वो फिगर विजुलाइज करिए। नाउ विजुलाइज योर ड्रीम कार, सेम टॉप ऑफ द हेड पे, क्राउन चक्र पे। नाउ विजुलाइज योर ड्रीम कार, व्हाट इज योर ड्रीम कार, कौन सी, कौन से रंग की, उसमें आप बैठे हुए किसके साथ में बैठे हैं, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके नियर एंड डियर वंस, उनके साथ आप कहां जा रहे हैं, विजुलाइज करिए टॉप ऑफ द हेड पे। उस समय आप कितने खुश हैं, आपके नियर एंड डियर वन के फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, विजुलाइज कीजिए योर ड्रीम कार, कितना मजा आ रहा है इसमें बैठ के, जस्ट फील इट एंड विजुलाइज इट, स्मेल इट। नेक्स्ट कम्स योर ड्रीम हाउस, आपके सपनों का घर, उसे विजुलाइज करिए अपने क्राउन चक्र पे, टॉप ऑफ द हेड पे, जहां निरंतर आप ब्रीदिंग पहुंचाकर उसको एक्टिवेट कर चुके हैं। विजुलाइज योर ड्रीम हाउस कैसा है, कितना बड़ा, कौन से कलर का, क्या सुविधाएं हैं जिनको आप एंजॉय कर रहे हैं उसमें, कितना आनंद है इस घर में, क्या क्या चीजें हैं जो आपको पसंद है, से होम थिएटर और अ प्लेस ऑफ वर्शिप, साथ में लग्जूरियस हाउस, लग्जूरियस वार्डरोब, लग्जूरियस बेडरूम, लग्जूरियस फर्नीचर, अल्ट्रा लग्जूरियस बाथरूम, एंटरटेनमेंट, एवरीथिंग इन योर ड्रीम हाउस, विजुअलाइज इट ऑन द टॉप ऑफ द हेड और ऑन द क्राउन चक्र। विजुअलाइज इट ऑन द टॉप ऑफ द हेड योर ड्रीम हाउस, कौन कौन उसमें आपके साथ रह रहे हैं और कितना आनंद है इसमें रहने में। नाउ विजुअलाइज योर ड्रीम वेकेशंस, अपनी मनपसंद छुट्टियां कहां मनाना चाहोगे, ड्रीम छुट्टियां कहां जाना चाहोगे, विजुलाइज इट ऑन द टॉप ऑफ द हेड, दैट इज योर स्पिरिचुअल पावर हाउस। किसके साथ जाना चाहोगे, कैसी जगह में रहना चाहोगे, बेस्ट लग्जूरियस होटल में, बिजनेस क्लास ट्रेवल, क्या क्या एक्टिविटीज आप वहां पे कर रहे हैं जो आपको पसंद है छुट्टियों में, दुनिया के कौन से देश में, कौन सी जगह में, मनपसंद हॉलीडेज, विजुअलाइज इट ऑन द टॉप ऑफ द हेड, ड्रीम हॉलीडेज, ड्रीम हॉलीडेज, ड्रीम हॉलीडेज, ड्रीम हॉलीडेज।
कंटिन्यू टू ब्रीद फ्रॉम ब्रेन स्टेम टू द टॉप ऑफ द हेड. निरंतर ब्रेन स्टेम से टॉप ऑफ द हेड पे ब्रीदिंग करते रहिए. यू विल बी कनेक्टेड. ड्रीम हेल्थ. आप कैसे चाहते हैं आपकी हेल्थ कैसी हो उसे विजुअलाइज करिए एट द टॉप ऑफ द हेड. ड्रीम हेल्थ. आप कितने स्वस्थ रहना चाहते हैं उस स्वस्थता को देखिए एट द टॉप ऑफ द हेड पे. बिकॉज टॉप ऑफ द हेड श्रेष्ठता चक्र और द क्राउन चक्र इज द पावर हाउस विद इन यू द स्पिरिचुअल पावर हाउस. ड्रीम हेल्थ. ड्रीम वेल्थ. कंटिन्यूस सक्सेस. अब जो वर्ड मैं बोलूंगा जोर से उसको आपने अपने माइंड पे दोहराना है टॉप ऑफ द हेड पे. अपने मन में रिपीट करना है. वेल्थ. वेल्थ मन में. वेल्थ. वेल्थ क्या पिक्चर आती है वेल्थ की टॉप ऑफ द हेड पे देखिए मन में बोलते हुए. वेल्थ. 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 फील द वेल्थ. रिपीट करिए मेरे पीछे मन में. वेल्थ. वेल्थ. दौलत. 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 दौलत अर्थात वेल्थ. 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 फील वेल्थ. सी वेल्थ. 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 एबंडेंस यानी बहुतायत. बहुतायत मतलब किसी चीज की कमी नहीं सब कुछ एबंडेंस में बहुतायत में. बहुतायत में हेल्थ. बहुतायत में वेल्थ. बहुतायत में हैप्पीनेस. बहुतायत में स्पिरिचुअलिज्म. एवरीथिंग इन एबंडेंस. 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 बहुतायत. 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 कंटिन्यू टू फोकस ऑन द टॉप ऑफ द हेड. बहुतायत. बहुतायत. एबंडेंस. 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 बहुतायत.
एवरीथिंग, यू कैन बी एवरीथिंग, यू कैन अचीव एनीथिंग, इट इज योर राइट टू बी रिच, आपका अधिकार है रिच होने का, संपन्न होने का, ईच वन ऑफ यू, इट इज योर राइट टू बी रिच, इट इज योर राइट टू बी हैप्पी एंड सक्सेसफुल ऑल्सो. Just surrender yourself totally. Always be thankful. Now slowly, अब जिस शक्ति को आपने याद किया उनका एक बार फिर से धन्यवाद दीजिए इस opportunity के लिए जो अभी आपने सीखी. Be totally thankful from the bottom of the heart. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया. Slowly we will be coming back. वापस आने के लिए मैं एक से लेकर पांच तक काउंट करूंगा. At the count of five, slowly धीरे से आप अपनी आंख खोलेंगे और जब आप वापस आएंगे आप पाएंगे अपने आप को पहले से changed and बहुत बेहतर physically, mentally.